हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज मैं सुबह सुबह आपसे बात नहीं कर रही, बल्कि आज बज गए हैं 11:30 हो गए हैं, क्योंकि आज मैं कोई नॉर्मल मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, बल्कि मैं आज आपके साथ अपना लंच शेयर करने वाली हूँ। लंच में कोई बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो शायद जो नॉनवेज खाते हैं उनको बहुत पसंद भी आए, और आई होप कि मैं आपके लिए अच्छे से बनाकर प्रेजेंट कर सकूँ। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो आपको देखना पड़ेगा, और जो बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि जितिन अभी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वो सो रहे हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ लेने जाना होता है तो मैं ही जाती हूँ। तो चलो पहले देखो कि मैं क्या लेने जा रही हूँ और उसके बाद मैं रेसिपी शेयर करूँगी। चलो और जीविका जा चुकी है और मैं जा रही हूँ अभी फिश लेने के लिए। तो मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता तो मैं ऑटो से जा रही हूँ, और जितिन होते तो मैं गाड़ी से जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऑटो से ही जा रही हूँ। अच्छा है, कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे भी घूमना। तो काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं और ये रोक रोक के चल रहे हैं। चलो कोई नहीं, और यहाँ देखो बहुत सारी वैरायटीज़ मिल रही है फ़िश की। मुझे एक जगह मैं पहले गई थी, वहाँ पे मुझे वो फ़िश नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, और यहाँ पे सारे फ़िश मिल रहे हैं। तो मोस्टली मेरे हस्बैंड भी यहीं से लेते हैं और मैं भी यहीं से लेने आई हूँ। तो चलो जल्दी से लेती हूँ और फिर मैं घर चलती हूँ। ये आंटी आप सभी को हाई कर रही है, हाई करो। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं जब भी आओ। तो अगर आप मेरे आसपास रहते हो तो यहाँ ज़रूर आना। और अब मैं फ़िश लेकर आ चुकी हूँ, और अब मैं टाइम वेस्ट ना करके बल्कि मैं बनाना स्टार्ट करूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अब बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पाम्प्रेट फ़िश और ये है रोहू फ़िश। सरसों, लहसुन, जीरा, अदरक, प्याज, हल्दी, काली मिर्च, हरी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च। इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ, और इस मसाले का इस्तेमाल मैं करूँगी रोहू फिश के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका पेस्ट बना लूँ। पेस्ट बहुत बारीक भी नहीं होता और बहुत दरदरा भी नहीं, मीडियम, क्योंकि बहुत बारीक भी टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता, और लहसुन छिलने की ज़रूरत नहीं है, बिना छिले भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिस मसाले का मैंने पेस्ट बनाया है अब उसी में मैं रोहू फिश को थोड़े से मसाले में मैरिनेट करके रख दूंगी मैं, और थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पूरे फिश में ये अच्छे से लग जाए। और इसे 20 to 25 or 15 मिनट्स के लिए भी अगर आपने रखा तो इनफ है। और अब मैं पॉम्प्रेट फ्राई करने के लिए मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, और थोड़ा सा ऑयल और नमक। ये सब डालकर अच्छे से इसे भी मिक्स कर लें, और जो कट्स हैं उसमें आप मसाले को अच्छे से भर दो ताकि उसमें टेस्ट अच्छा आएगा। और इसे भी 20 से 25 मिनट के लिए हमें मैरिनेट करना है। तो ये करने के बाद मैं इसे रख दूँगी। मैंने फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। दोनों ही फ़िश को कम से कम 20 मिनट तो रखना ही चाहिए, तो 20 मिनट के बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। अब 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं फ़र्स्ट रोहू फिश बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो ग्रेवी का है, और पॉम्प्रेट जो बनाना है वो थोड़ा लेट बनाऊँगी, क्योंकि वो जब खाना खाना होता है तभी बनाना होता है। अगर आप पहले से बना दोगे तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले रोहू फिश बनाना स्टार्ट करती हूँ। और अब सबसे पहले रोहू फिश की तैयारी। तो रोहू फिश को पहले फ्राई किया जाता है, नहीं तो स्मेल आती है। तो उसके लिए पहले कढ़ाई गर्म करके ऑयल गर्म कर लेती हूँ। ये कल का थोड़ा सा तेल बचा है और ये कम है, तो मैं थोड़ा और ऑयल डालूँगी।
और इसको अच्छे से गर्म होने दें। और पहले भी बताया था मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से पकने देना चाहिए, नहीं तो उसकी स्मेल आती है। तो अभी फ़िलहाल ऑयल गर्म हो रहा है। और अब ऑयल गर्म हो गया और इसमें मैं फ़िश डालती हूँ। थोड़ी सी सावधानी रखिएगा क्योंकि तेल के छींटे पड़ने का डर होता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखकर ही आप फ़िश फ्राई करो। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कुकिंग में। और अब इसको हम थोड़ी देर में पलट देंगे। पलट कर भी फ्राई करना है। और अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया ऑयल को ठंडा करने के लिए। इसी में मैं मसाले को फ्राई करूँगी। तो ऑयल ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकाल लेती हूँ, जितनी ज़रूरत है उसमें छोड़ दूँगी। ऑयल वापस गर्म करना है और ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मैं थोड़ी सी तड़के के लिए मेथी डालूँगी, मेथी के दाने और जब मेथी मतलब ब्राउन हो जाए, जलाना नहीं है नहीं तो फिर वो गंदा टेस्ट आएगा, तो इसमें जो ये मसाला पेस्ट बाकी बचा हुआ था वो हम डाल देंगे, जितनी की आपको ज़रूरत हो। और मसाले को भूनना काफ़ी अच्छे तरीके से है और काफ़ी टाइम देकर। अगर मसाला कच्चा हो रह गया तो आपके फ़िश का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। और नमक जितना आपको चाहिए टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लो। राइस पे खाना हो तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि उस पर थोड़ा फीका लगता है। और थोड़ा मैंने पानी डाल दिया ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और अब देखो आप मसाला पक चुका है तो इसमें मैं कटे हुए जब मसाला पक जाए अच्छे तरीके से तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, जो थोड़े मोटे मोटे कटे हुए हो। और टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा खड़ा ही होता है तो अच्छा लगता है फिश के साथ। अब टमाटर के साथ भी मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब ये पानी जब बिल्कुल उबल जाए, पक जाए, क्योंकि फ़िश को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना, तो इसे मैं अच्छे से उबाल लेती हूँ। ग्रेवी पक जाने के बाद मैंने इसमें फ़िश डाल दिया था और कसूरी मेथी के साथ मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। और अब फ्लेम बंद कर दी। तो अब रोहू फिश बनकर तैयार है और नेक्स्ट है पॉम्फ्रेट फ्राई, तो उसको मैं थोड़ी देर में फ्राई करूँगी जब लंच करेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिर्फ 2 मिनट्स। और अब मैं जा रही हूँ शेयर करने के लिए पॉम्फ्रेट फ्राई, जिसे मैंने मैरिनेट करके करीब आधे पौना घंटा से रखा हुआ है, तो अब मैं उसको फ्राई करूँगी। चलो दिखाती हूँ। और अब पॉम्फ्रेट फ्राई करने के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई गर्म कर ली है। मोस्टली नॉन स्टिक में ही करना चाहिए नहीं तो ये चिपकता है, तो मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। और इसे अभी थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल वैसे मैंने फ़िश में भी डाला था तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हैं। तो ये ऑयल गर्म हो गया है। फ़िश को क्रंची बनाने के लिए सूखे चावल के आटे के साथ कवर करके तब फ्राई करें। और अब मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। इसे टाइम टू टाइम इसको पलटते रहना है दोनों तरफ से। और मैंने अब पलट दिया है एक तरफ ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से ये पक जाए। और अब आप देख रहे हो कि फ़िश ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ऑयल और मैं डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है तो ये फ्राई नहीं होगा अच्छे से।
और अब मेरा फ़िश बिल्कुल बनकर तैयार है और देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये देखने में नहीं खाने में भी बहुत डिलीशियस है। और इसे मैं अब गार्निश कर रही हूँ अनियन से और लेमन। विद ग्रीन चटनी। और ये है मेरा रोहू फिश विथ राइस। आई होप कि आपको आज के ये रेसिपी ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोग का अगर सपोर्ट रहा और आप लोग ऐसे लाइक करते रहे तो मैं आगे और भी रेसिपीज़ लाऊंगी, कभी वेज कभी नॉन वेज। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ये मेरा लंच ब्लॉग था, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा लेंदे नहीं करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोबारा सब्सक्राइब करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन आ रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।